नवग्रहों में परिवार की व्यवस्था को बढ़ाने वाला, सुख समृद्धि लाने वाला, ऐसो आराम की जिंदगी जिलाने वाला एक ग्रह है, जिस ग्रह का नाम होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अभी 7 अगस्त को अस्त हुआ है, 4 सितंबर को मार्गी होंगे। ऐसे 23 दिन का यह इनका टाइम पीरियड होता है ग्रहों की परिवर्तन का। जब शुक्र अस्त होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, जैसे ही सूर्य निकलता है शुक्र का प्रभाव अपने आप मंद पड़ता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और फिर वह शुक्र दिखाई नहीं देता है और सूर्य प्रभाव में आकर के खड़ा हो जाता है। अब घर में कैसे पता चले कि आपके घर का शुक्र अस्त है? घर में भी देखना चाहिए, घर में भी देखा जाता है। तो ग्रहों के हिसाब से आप देखिए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि शुक्र अस्त है या उदित है। यदि हमारा रसोई घर, हमारा बेडरूम गलत है, तो ये मान के चलना आपके घर का शुक्र अस्त पड़ा हुआ है। यदि आपका रसोई घर पूरब दक्षिण कोने में नहीं है, यदि आपका बेडरूम दक्षिण पश्चिम कोने में नहीं है, तो ये मान के चलना उस घर में शुक्र अस्त पड़ा हुआ है। आप कितना भी पैसा कमा के लाना, यदि आप वायव्य कोण में सोते हैं, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाने का रास्ता निकाल लेता है। इसके बाद यदि आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं है, दूसरी दिशा में रसोई घर है या दक्षिण पश्चिम कोने में रसोई घर है, उस घर में हमेशा दवाइयां चलती रहेंगी, पूरे घर का पैसा डॉक्टर के पास चला जाएगा, आपके घर में फिर पैसा टिकने वाला नहीं है। यदि हमने अपने रसोई घर में ग्रेनाइट लगाई है तो भी आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है, परेशानी का कारण हो सकता है। इससे साबित होता है तुम्हारे घर में शुक्र मंद पड़ा हुआ है। जिनके घरों में सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, उनके घरों में भी शुक्र अस्त हुआ करता है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने को सबसे पहले रसोई घर और बेडरूम को सुधारना होगा। अपने घर का कलर हो सके तो सफ़ेद करना, क्योंकि सफ़ेद कलर शुक्र का हुआ करता है। अपने घर में सफ़ेद चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना, चीनी होती है, इसके बाद दूध होता है, दही होता है, घी होता है, इस प्रकार से सफ़ेद चीज़ों का हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे आपका शुक्र बढ़ेगा। जब शुक्र बढ़ेगा तो आपकी सुख सुविधाएँ ऐसो आराम की चीज़ें अपने आप बढ़ना प्रारंभ होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार का ग्रह क्लेश ना हो, आपके जीवन में जितना आपने कमाया है वो आपको दिखे। इसके लिए मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं, इस उपाय के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें, यही मेरी भावना।